हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम एक सिक्स क्लास का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म, और किन्हीं बुक के अंदर वो केवल मैग्नेटिज्म नाम से भी दे रखा है आपको। तो आज मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले अगर देखें मैग्नेटिज्म आपको कहाँ देखने को मिलता है, अपने घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, ठीक है, जो उसका डोर है वो हम खोलते हैं और जब उसको छोड़ते हैं तो एकदम से वो चिपक जाता है उसके साथ। किसके कारण से चिपका वो बेटा? मैग्नेटिज्म के कारण, क्योंकि जो डोर था और जो अंदर की साइड में वॉल में क्या लगा हुआ था, मैग्नेट लगा हुआ था, वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, वहाँ से अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो वहाँ पर जो एक तरह से डोर है रेफ्रिजरेटर का वो वहाँ से चिपका रहता है। जब हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स ज़्यादा लगाएंगे और जो उनकी अट्रैक्शन है वो कम रहेगी, तब दरवाज़ा खुल जाएगा, हम छोड़ते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम जानें मैग्नेटिज्म वर्ड किसके लिए है बेटा, मैग्नेट के लिए। मैग्नेट आपने देखा होगा, ठीक है, आपने उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी ऑब्जर्व की होगी कि वो आयरन की ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, या दो मैग्नेट आपने देखे होंगे, ठीक है, जो कभी तो अट्रैक्ट करते हैं कभी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हम अभी जानेंगे। सबसे पहले अगर बात करें मैग्नेट की डिस्कवरी, तो मैग्नेट की डिस्कवरी अलग अलग कहानी है। एक कहानी में बताया गया है यहाँ पे, जिसको ज़्यादा हम मानते हैं, कि एक शेफर्ड था मैग्नेट नाम का, ठीक है, वो शेफर्ड मतलब गडरिया, जो अपनी भेड़ बकरियां हैं उनको चराते हैं, ठीक है, वो कहीं माउंटेन रीजन पे उनको लेके जा रहा था, ठीक है। तो उसकी जो स्टिक थी लकड़ी की, उसके नीचे आयरन की कवरिंग लगी हुई थी एक तरीके से, ठीक है, तो वो एक पत्थर के ऊपर वो स्टिक है वो चिपक गई, ठीक है। वो वास्तव में क्या था, एक मैग्नेट था, वो जो रॉक थी, जो चट्टान थी, वो एक मैग्नेट था। उनको तब क्या नाम दिया गया मैग्नेट को, मैग्नेटाइट। उन चट्टानों को क्या नाम दिया गया जो जिनके अंदर मैग्नेट की या मैग्नेटिज्म था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उनको क्या नाम दे दिया गया, मैग्नेटाइट। चाइना के अंदर इसको लोडस्टोन भी बोलते हैं। लोड स्टोन का मतलब है लीडिंग स्टोन, क्योंकि आपको पता है ये रात के समय में डायरेक्शन बताने का भी काम करता है। जो आज के दिन कंपास हम यूज करते हैं वो मैग्नेटिज्म के ऊपर ही बेस्ड है। तो जो सेलर होते थे एक तरीके से, जो नाविक होते थे, वो क्या करते थे, मैग्नेट को अपने पास रखते थे। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के कारण से नॉर्थ साउथ में सस्पेंड हो जाता है फ्रीली। जब उसको छोड़ेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है वो गेन कर लेता है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उसके डिस्कवरी से रिलेटेड था। उसके आगे अगर हम बात करें यहाँ पर मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेट है उनकी टाइप दो हो गई मेन, एक तो नेचुरल और एक जो आर्टिफिशियल होंगे जो ह्यूमन बींग द्वारा बनाए जाएंगे, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट कौन से होंगे बेटा, जो प्रकृति से हमें मिले हैं, ठीक है, जैसे कि वो कहानी में था वो जो चट्टान का टुकड़ा था, ठीक है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। उसके बाद अगर बात करें आर्टिफिशियल, जो हम तैयार करते हैं एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, तो मैग्नेट मेनली टू टाइप के हो गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इनके बीच का डिफरेंस है वो भी हम जानेंगे, उससे पहले इनकी प्रॉपर्टी है वो जान लेते हैं। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या खास बात होती है मैग्नेट के अंदर। तो मैग्नेट की अगर हम बात करें यहाँ पर, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी दूसरी होगी अपने पास, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी तीसरी मानते हैं हम, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव।
सबसे पहले जानते हैं हम अट्रैक्टिव, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके बारे में आपने सुना होगा। ये सभी मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट है इनको अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को, और यहाँ पर स्टील का भी हम यूज कर सकते हैं। किन किन को अट्रैक्ट करता है बेटा मैग्नेट? आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील। क्यों? स्टील के अंदर किसकी मात्रा भी होती है? आयरन की मात्रा होती है, ठीक है। अगर हम इन चीज़ों को लेके जाएंगे मैग्नेट के पास, तो मैग्नेट इनको क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, इनको आकर्षित करेगा अपनी ओर, खींचेगा इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा? मैग्नेटिक मटेरियल है। ये क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल। और मैग्नेटिक मटेरियल को जो मैग्नेट है वो क्या करता है बेटा? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। इसको अट्रैक्ट करेगा बेटा आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को। दूसरी अगर बात कर लें यहाँ हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की, तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होती है कंपास के अंदर। कंपास क्या बताता है आपको पता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने के लिए कंपास के अंदर क्या होता है? मैग्नेट होता है, या मैग्नेटिक निडल बोल दो, वो होती है। अगर बात करूं मैं, ये मैग्नेट है, ठीक है, इसके दो पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर आपको पता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दो पोल होते हैं इसको। अगर यहाँ से मैं रस्सी बांध के इसको फ्रीली सस्पेंड कर दूँ, छोड़ दूँ ऐसे, तो ये अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन गेन कर लेगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, तो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। उसी के काम, उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कंपास। कंपास के अंदर जो निडल है वो ऑटोमेटिक कैसे आ जाती है, किस डायरेक्शन में आ जाती है? नॉर्थ साउथ में। ये मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, इस प्रकार से है। ये हमेशा निडल नॉर्थ को पॉइंट करेगी। हम कंपास को ऐसे रखेंगे, हम देख लेंगे ये जिधर पॉइंट कर रही है उस साइड में क्या ले आएंगे? नॉर्थ, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ईस्ट इधर है, साउथ इधर है, वेस्ट इधर है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, हम पहले भी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इसकी पढ़ चुके हैं, जिसके भी बीच में अट्रैक्शन होता है। ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, जिसमें आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, ठीक है, इनको अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव की जो हम बात कर रहे हैं, ये है मैग्नेट से मैग्नेट के अंदर। दो मैग्नेट लिए हमने, मैग्नेट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक जो बार मैग्नेट है उसका, इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। अगर एक मैग्नेट ऐसा ही और लिया हमने, ये मैग्नेट ले लिया, इसका नॉर्थ पोल इधर, इसका साउथ पोल इधर, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन में क्या किया हमने, ये मैग्नेट लिया है नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, दो कंडीशन रख ली। इसमें तो अपोजिट पोल रखे हैं हमने नजदीक, और इसमें सेम पोल रख लिए, ठीक। तो इनके अंदर दो प्रॉपर्टी हैं वो शो करेंगे ये, ठीक है, दो काम करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को या रिपेल करेंगे। तो जब ऑपोजिट पोल होंगे नॉर्थ साउथ, तो इनके अंदर अट्रैक्शन होगा, इनके अंदर क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन। अपोजिट पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और जो सेम पोल हो जाएंगे साउथ साउथ या फिर नॉर्थ नॉर्थ की बात कर ले हम यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या होगा? इस केस में भी और इस केस में भी रिपल्सन होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर भेजेंगे, ठीक है बेटा। तो ये प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। अट्रैक्टिव मेनली रिलेट करेगा जो मैग्नेटिक मटेरियल है जिनका हम यूज करते हैं उनसे, और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी डायरेक्शन के लिए, और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव ये करता है मैग्नेट से मैग्नेट के केस में। अगर सेम पोल होंगे तो वो रिपेल करेंगे,
और सेम पोल नहीं होंगे, मतलब कि ऑपोजिट पोल होंगे, नॉर्थ के पास साउथ आ रहा है तो वो क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करें। यही केस हमें जो चार्जेस है उनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, यही केस हमें मैग्नेट के अंदर देखने को मिलता है। बाकी इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।